हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू गुज्जर फैमिली व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? और ये वीडियो मैं यहीं से ही कंटिन्यू कर रही हूँ, मतलब उसी दिन की, मतलब कि सैटरडे इवनिंग की ही वीडियो है। वो वीडियो लॉन्ग हो जाती है, इस वजह से मैंने वो हाफ ही पब्लिश कर दी थी और उसके आगे मैं भी कंटिन्यू कर रही हूँ। और मैंने आपको बताया था कि मैं लस्सी लेने के लिए जाना था जेठानी के घर, तो मैं निकल गई हूँ और ये शेयर कर रही थी। देखिए, हमारे घर से बाहर का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में, एकदम से खुला खुला। और ये जो घर आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे, ये घेर भी और ये जो घर नज़र आ रहे हैं, ये सारे ही मतलब मेरी फैमिली में ही हैं, मेरे जेठ के हैं। और उधर जो वो अलग से नज़र आ रहे हैं, वो दूर सी, वो है मेरे हस्बैंड के चाचा के बेटे के, मतलब अपनी ही फैमिली है। ये मेरे सगे जेठ के हैं जिन पे वाइट वॉश चल रहे हैं, इनकी बेटी की शादी है 3 मंथ्स के बाद, तो इसलिए वाइट वॉश चल रहा था। और बस लस्सी लेने गई थी तो 2 या 5, 10, 15 मिनट लग ही जाते हैं फिर तो बातों बातों में। और यहाँ पर मैं आकर जीरा डाल दिया था मैंने, तेल गरम हो गया था, उसके बाद उसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल रही थी। प्याज नहीं खाते हैं व्रत रखने के बाद। वैसे कई लोगों से सुना है कि सावन में प्याज नहीं खाते, लेकिन मैं खा लेती हूँ अगर फास्ट ना रखा हो तो, लेकिन जिस दिन फास्ट रखते हैं उस दिन नहीं खाते हैं। और बस इसमें मैं सूखे मसाले ऐड कर दूँगी। यहाँ पर ये डाला है मैंने सब्जी मसाला और नमक, हल्दी तो मैंने दाल में ही डाल दी थी, और ये थोड़ा सा सब्जी मसाला मैंने और डाल दिया है। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ यहाँ पर, और इतने ये मिक्स होगा, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था मैंने, इतने ये अच्छे से टमाटर गलेंगे, तो इतने मैंने यहाँ पर आटा तैयार कर लूँगी। और हस्बैंड के लिए ही बनानी थी मैंने, हस्बैंड और पीहू के लिए मैंने नहीं खाना था, क्योंकि रात को हैवी हो जाता है। और कान्हा जी वैसे अगर खा भी लेती मैं एक आधा फुलका, तो मैंने खाया नहीं, क्योंकि मुझे जगाधरी आकर वापस कान्हा जी का भोग लगाना था पहले, फिर खाना खाना था। और यहाँ पर देखिए मैंने आटा गूंद लिया है जल्दी जल्दी से, और बस अब हैंड वॉश कर रही हूँ मैं। और इतने में मेरी ना जो टमाटर का वो है पेस्ट छोंक, वो भी तैयार हो चुका होगा। ये देखिए ये हो चुका है अच्छे से फ्राई, और बस अब इसको मैं दाल में ऐड कर दूँगी और दाल में दोबारा से सीटी लगवा लूँगी। और एक कमेंट आया था मेरे पास कि आपकी दाल में ज़्यादा ही सीटी लग गई थी, तो ये दाल जो है ये ना काफ़ी ज़्यादा सीटियों में ही गलती है, जल्दी से नहीं होती, और पानी भी बहुत सूखती है। मैंने 2 बार पानी डाला था तो दोनों बार ऐसी ही हो गई थी, पानी सूख गया था बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत ज़्यादा पानी डाला था दोनों बार ही ऐसा हो गया था। और अब मैंने इसको वो करके मिक्स इसको रख दिया है, पानी भी डाल दिया है मैंने, और इसमें सीटी लगवा दूँगी मैं। हालाँकि इस दाल को मुझे दोबारा से तड़का लगाना पड़ा, क्योंकि ये ना बिल्कुल वो टाइट टाइट सी हो गई थी, सख्त सख्त सी, तो मैं तो नहीं खाती हूँ, वो हस्बैंड खा लेते हैं, हस्बैंड ने ऐसे ही खा ली थी। फिर मैंने दोबारा से प्याज में ना वो प्याज में प्याज कट करके उसमें छोंक ली थी इसको, तो भी मेरे बर्तन हुए थे गंदे यहाँ पर, मैं उनको क्लीन कर लूँगी इसके बाद मुझे, क्योंकि रोटी बनानी है और फिर जाना भी था जगाधरी। Thank you.
बेन और पीहू ने खा लिया था खाना, उसके बाद जो ये लस्सी बची थी ये ना मैं अपनी अपने लिए बॉटल में डाल रही थी, क्योंकि हमारे घर तो यहाँ पर दही थी और लस्सी तो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है कि अगले दिन काम आ जाएगी, इसलिए मैंने उठा ली थी। और उसके बाद मैं कर रही थी किचन की क्लीनिंग, तो ना जो दाल मैंने डाली तो देखी वो बहुत ज़्यादा सख्त थी, तो हस्बैंड प्याज उठा रहे थे अपने लिए खाने के लिए, उन्होंने छील दी थी। और फिर मैंने उनको मना किया कि जो व्रत रखते हैं ना वो व्रत वाले दिन प्याज नहीं खाते हैं, और मैंने उनसे फिर मैंने कट वो छील दी थी, उन्होंने ख़राब होती तो मैंने कट करके ना वो दाल छोंक दी थी, वरना तो मैं ऐसे ही उसको गरम करके बाद में खा लेती, लेकिन फिर मैंने प्याज में ही छोंक दी थी और वो बहुत अच्छी भी हो गई थी। और बस सारा काम निमट गया था। हेलो एवरीवन, अभी अभी काम निपटाया है मैंने और बस अब निकलने की तैयारी है। मैं सोच रही हूँ कि यहीं पर ही एक राउंड मारा हूँ, जैसे इवनिंग टाइम में घूमने जाते हैं ना तो यहाँ पर ही जाऊँ। आज तो नहाना पड़ेगा, आज तो ना पसीने बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पर, तो ये है कि एसी से ना सारा ठंडा हुआ रहता है तो इतना वो नहीं लगता, पसीना वगैरह नहीं आता, यहाँ पर तो बस ज़्यादा आ रहा है। बाहर निकलने के ठीक रहता है, गाँव में ना बाहर निकल जाए ना अगर तो ठीक रहता है। और आज ना लाइट नहीं बंद करती, अभी थोड़ी देर में जाएंगे। आज ना हमारे कान्हा जी वहीं हैं तो मैंने खाना नहीं खाया, हस्बैंड ने खा लिया, पीहू ने खा लिए, मैं पहले कान्हा जी का भोग लगाऊंगी उसके बाद ही खाऊंगी। और ये देखिए तो बैठ भी गए हैं कार में, मैं थोड़ी देर राउंड लगा के आती हूँ फिर चलेंगे। अरे ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारी सैर का रास्ता जो मैं गांव में जाती हूँ घूमने के लिए। ये देखिए मेरी जो दीदी हैं उन्होंने टॉर्च ली हुई है हाथ में, मैंने आपके साथ पहले भी बोला था कि मैं शेयर करूँगी लेकिन कर नहीं पाई, बहुत ज़्यादा अंधेरे वाला रास्ता हो जाता है तो डर भी लगता है, वो साथ में दीदी होती हैं इसलिए मैं चली जाती हूँ, इतना नहीं डर लगता है। ब्लैक ब्लैक दिख रहा, लाइट जला लो या तो। किसकी लाइट? कार की। बाहर की जला ना, बाहर यहाँ रख के ठीक लग रहा थोड़ा। निकल गए हैं अब जगाधरी आने के लिए। महा पापा तो नहीं आए हैं? हाँ पता नहीं, फोन भी नहीं कर सकते। अरे पीछे आगे ये बुक्स यहाँ नहीं होनी चाहिए बेड पे। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने वापस घर में, वापस अपने घर में। ये देखिए वर्ड्स की ना अदला बदली बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार। और पीहू नाइट सूट तो डाल लो, आज पीहू नहाई नहीं है मतलब गांव से आके, फिर मुझे भूख लगी थी क्योंकि मैंने वहाँ पर खाना नहीं खाया था, मुझे कान्हा राधा का भोग लगाना था पहले अपने और फिर उसके बाद सोचा था कि उसके बाद खाना खाऊंगी, तो आज डालती हूँ ये वाला नाइट सूट। मेरी मीरा में है पीहू, वो तो है नहीं कोई तेरी शॉर्ट्स यहाँ, टी शर्ट तो है अवेलेबल, लेगिंग दे दो नीचे, नीचे रखी होंगी लेगिंग तो। एक मिनट फ्रेंड्स यहाँ रख देती हूँ, टू क्यों आ रहे हैं हम।
गुड इवनिंग। टाइम हो गया है 8:30 या 8 बजे का रात के, और मैंने आज अपना व्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि कल वाला व्लॉग के साथ ही ये वाला मैं कंबाइन करके कल वीडियो डाल दूँगी। और आज हम सुबह से बिजी हैं कुछ काम में, और फिर मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, उसके साथ भी बातों में लगे रहे, वरना मैं उसके बाद सोच रही थी व्लॉग स्टार्ट करूँगी, फिर मैंने किया नहीं। और मैं आप लोगों से भी उसको मिलवाना भूल गई। चलो कोई बात नहीं, जब भी नेक्स्ट टाइम मिलेंगी तो मैं करवाऊँगी ज़रूर। और बस अभी खाना वगैरह खा लिया है हमने, और अभी हम थोड़ा सा और काम करने वाले हैं। मेरे मामा का बेटा आया हुआ है यहीं पर ही। मेरी वीडियो पर कमेंट आया है कि आप हस्बैंड को कम लेके आते हैं वीडियो में। देखिए वो ना शर्माते हैं बहुत ज़्यादा वीडियो में आने से, और जितना भी उनको मैं लेके आती हूँ तो वो मैं ज़बरदस्ती लेके आती हूँ, वो खुद से नहीं आना चाहते हैं। और एक ने पूछा था कि आपकी सास, मेरी सास मेरी जिठानी में रहती है इसलिए मेरी वीडियोस में बहुत कम आती हैं, मेरे ससुर जी नहीं हैं। ये भी था कमेंट कि ना अगर आपको टीचिंग आती है खुद से, मतलब टीचिंग की हुई है मैंने, तो आप पीहू को खुद से क्यों नहीं पढ़ाते, क्योंकि उसको मैं पंजाबी सीखने के लिए भेज रही हूँ और वो कोई ट्यूशन नहीं जा रही है, सिर्फ 1 वीक के लिए जा रही है, और वो भी ऐसे ही पंजाबी वाली मैम ने बोला था कि चलो मैं हेल्प कर दूंगी थोड़ी सी उसको सीखने में, बाकी एक बार उसको रीडिंग आ जाएगी ना अगर पंजाबी की तो वो आगे खुद से कर सकती है, फिर तो वीडियोस वगैरह आ ही रही हैं। और मतलब यकीन मानिए उसको उससे फ़र्क भी पड़ रहा है। और कोरोना वायरस एक्चुअली वो मैम भी ठीक है, मतलब रास्ते में और कहीं हम जाते भी नहीं हैं, उसको डायरेक्ट वहीं छोड़ते हैं और वहीं से घर ले आते हैं, और वो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए बस फिर अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। और ये पीछे बैठी है पीहू, अपने मामा के साथ खेल रही है। आज इन्होंने ना, मामा ने इसके इसको पैक कर दिया, ये मेरे मामा का बेटा है मोहित, और इसने ना आज पीहू को पैक कर दिया था एक बड़े से थैले के अंदर, लेके चल पड़ा था, मैं वीडियो बना लेती उस टाइम, याद नहीं रहा पीहू पैक हो गई थी है ना। एक मिनट रुक जाओ, मैं उठवाती हूँ, अपने व्लॉग का एंड कर दूँ वैसे पहले एक बार, फिर लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी जितनी भी है जैसी भी है तो लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पीहू लेग्स भी नहीं मारते, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।